हेलो साथियों, एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने जो है पाषाण काल में जो है पूरा पाषाण काल के दो टॉपिकों को कवर किया था, जिसमें जो है निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल हम लोग देखे थे। अब आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उच्च पूरा पाषाण काल को देखते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल का समय है 35,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। मैं बीसी इसलिए लिखा ईसा पूर्व को, साथियों ईसा पूर्व को हम शॉर्ट में बीसी लिख सकते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल की शुरुआत जो है मौसमों के परिवर्तन से शुरू होता है। धीरे धीरे जो है अब पृथ्वी गर्म होने लगी थी। जब पृथ्वी गर्म होने लगी थी तो स्वाभाविक है कि पर्यावरण चेंज के कारण हमारे खान पान या उस समय की जो भी मानव रहे होंगे उनमें परिवर्तन हुआ, उनके खान पान में, उनके हथियारों में, उनके जीवन शैली में। इसी जीवन शैली और उनके उपकरणों को प्राप्त करके एक नया नाम उच्च पूरा पाषाण काल दिया गया। इस उच्च पूरा पाषाण काल को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है उच्च पूरा पाषाण काल न पूछकर पूछ लेगा कि श्रेष्ठ पाषाण काल या ब्लेड प्रधान उच्च पूरा पाषाण काल या अंतिम संस्कृति मल्देलियन पूछ ले, तो आप जो है इन सभी नामों को देखते हुए आप समझेंगे कि ये उच्च पूरा पाषाण काल का नाम था। इसको श्रेष्ठ पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल को श्रेष्ठ पाषाण काल इसलिए कहा गया कि इस समय जो है श्रेष्ठ प्रकार के, पहले से जो है उन्नत प्रकार के जो है औजार जो है बनाए जाने लगे। उन्नत औजारों की वजह से इसे श्रेष्ठ काल कहा गया। पूरा पाषाण काल में इस समय जो है इसको ब्लेड प्रधान उच्च पूरा पाषाण काल इसलिए कहा गया, इस पाषाण काल में क्या थी, ब्लेडों की जो है प्रधानता थी। तो ब्लेड प्रधान होने के कारण इसको हम जो है क्या कहे, ब्लेड प्रधान उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल की जो अंतिम ज्ञात संस्कृति थी, जो आखिरी जो है लास्ट की ज्ञात संस्कृति थी, उसे मालदेलियन संस्कृति जो है कहते हैं। मालदेलियन संस्कृति कहते हैं। अगर जो है पूछ ले आपके एग्जाम में कि मैग्डेलियन संस्कृति किससे संबंधित है, तो आप उत्तर देंगे उच्च पूरा पाषाण काल से। अब आइए उच्च पूरा पाषाण काल की विशेषता समझते हैं। साथियों इसकी दो विशेषता थी। इस समय कि जो दो विशेषताएं महत्वपूर्ण थी वो थी कि नए चकमक उद्योग की स्थापना हो गई थी। अब यहां उद्योग की मतलब है कि यहां चकमक प्रकार के जो है औजारों से हथियार बनाने जाने लगे थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट व्यवस्था थी कि होमो सेपियंस, जो आधुनिक मानव का इस युग में जो है पदार्पण हो गया था। ये देखिए भाई साहब नाच रहे हैं लोग, इस युग में पदार्पण हो गया था। तो क्या इसकी दो विशेषता हो गई, उच्च पूरा पाषाण काल की पहली कि नए चकमक उद्योग की स्थापना हो गई थी, और दूसरा क्या था, जो आधुनिक मानव है या होमो सेपियंस सेपियंस मानव का पदार्पण इसमें हो गया था। अब आइए उच्च पूरा पाषाण काल का हम जो है उपकरण देख लेते हैं। चूंकि इससे पहले निम्न पूरा पाषाण काल
या मध्य पुरापाषाण काल में जो भी औजार था, जो भी औजार बनाया जाता था वो क्या था, बहु कार्य के लिए यूज होता था, बहु उपयोगी था। मतलब एक ही औजार से हम कई काम कर लेते थे, उसी से जो है जानवरों को मार भी देते थे, उसी से उसका खाल भी छीन लेते थे। तो इस तरह से हम एक ही औजार से कई प्रकार जो है कई चीजें करते थे, तो क्या थे ये, बहु उपयोगी थे। लेकिन उच्च पुरापाषाण काल में परिवर्तन शुरू हो गया, उच्च पुरापाषाण काल में इन उपकरणों को विशेषीकृत किया गया, जब वो ऐसा उपकरण बनाया गया जो उपकरण एक बार में एक काम कर सकता था और वो अपने काम में विशेषता लिए हुए था। और खास करके इसकी प्रधानता किसने ली, ब्लेड। जो भी उपकरण उच्च पुरापाषाण काल में आए उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रधान था ब्लेड। ब्लेड इस तरह से होता था, आपने चित्र देखा होगा, इसकी तरफ एक धारी होती थी पाषाण में, एक तरफ धारी होती थी और इससे जो है इस ब्लेड से काटने में, तो वो चमड़े छीलने में, छाल छीलने में या अन्य हथियार बनाने में इसका प्रयोग होता था। ये इस तरह से थे। अन्य उपकरणों में तच्छड़ी, तच्छड़ी पहले भी था लेकिन इस समय उच्च पुरापाषाण काल में तच्छड़ी और खुरचनी का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा और इसकी संख्या भी अब अत्यधिक मात्रा में मिलने लगी। आप जो है फिगर के माध्यम से तच्छड़ी को देख सकते हैं। ये तच्छड़ी नक्काशी में छेदने या भेदने में काम में आती थी। दूसरा था खुरचनी। खुरचनी से स्पष्ट होता है कि ये जो है किसी चीज को खुरचने में काम आती थी। तच्छड़ी का भी जो है ये खुरचनी भी जो है एक धारी होता था, इससे जो है किसी चीज को खुरचने में उपयोग किया जाता था। इसके अलावा जो है इसी समय उच्च पुरापाषाण काल में हड्डियों को पर भी हमको देखने को मिल जाते हैं। आप जो है उपकरण जो है समझ गए होंगे उच्च पुरापाषाण काल के। अब आइए इस समय जो है उच्च पुरापाषाण काल का खोज देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस काल की जो है सबसे महत्वपूर्ण जो खोज थी वो थी रोड़ी के मलबे। रोड़ी के मलबा ये जो एक कितना था, 85 सेंटीमीटर का, और ये था चौथरा, मतलब गोल था, गोलाकार था, वर्गाकार वर्गाकार था जो है, ऐसे चौथरा था। मतलब जो उत्खननकर्ताओं ने इसको देखा रोड़ी के मलबे को और इसको जो है उच्च पुरापाषाण काल से संबद्ध किया। इसके अलावा इसकी एक साइट है जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, बाघोर। याद रखिए प्राचीन काल में एक बाघोर एक बागोर दो हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइए। बागोर जो है ये जो है राजस्थान का है साइट, ये आपको जो है मध्य पाषाण काल में मिलेगा। लेकिन जो ये बाघोर, बाघोर जो है दक्षिण भारत की साइड है और ये जो है दक्षिण भारत की साइड है और ये जो है उच्च पुरापाषाण काल की सबसे इंपॉर्टेंट साइड। इस साइड से एक ऐसा साक्ष्य मिला, ये चकोर जो है एक चकोर वेदिका मिली। इस वेदिका पे त्रिभुज नुमा एक पत्थर ऐसे मिला, त्रिभुज नुमा, और इस त्रिभुजाकार पत्थर को जो है लोगों ने कहा कि भैया जो है ये क्या है, इतिहासकारों ने जो है कहा कि ये जो है मातृ देवी के प्रतीक स्वरूप जो है हम इसे मान सकते हैं। अब मानने का कारण, जैसे हम आज भी देखते हैं गांवों में जो है कहीं भीठा पे डी डिवारी या कोई ऐसे पत्थर लगा देते हैं, कहते हैं बाबा डी बाबा है, हाई काली माई है, तो उसी तरह से ये त्रिभुजाकार पत्थर जो है था, इसको जो है
इतिहासकारों ने जो है जब इसको देखा तो बोला कि भाई ये लग रहा है कि ये वेदिका में है, चरखुंटा वेदिका बनाई गई है, वेदिका के बीचों बीच इसको रखा गया है। तो ये जो है हो सकता है कि हमारे मातृ देवी की, उस समय के मातृ देवी की प्रतीक हो। अब एग्जामिनर आपसे सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा कि प्राचीनतम पूजा स्थल का साक्ष हमें कहां से प्राप्त हुआ है। तो आपको बता दिया कि क्या थी, वेदिका थी, वेदिका का स्थान पूजा के रूप में यूज होता है और इसमें यह त्रिभुजाकार पत्थर था और जिसको जो है मातृ देवी की आकृति या मातृ देवी का प्रतीक जो है समझा जाता था। पत्थर जो है आप कहेंगे कि सबसे पहले पूजा स्थल की प्राप्ति कहां से हुई थी, उच्च पूरा पाषाण का। अगर प्लेस पूछ ले आपका आंसर होगा बाघोर। अब आते हैं दूसरी साइड है कर्नूल एवं मुच्छ लता, कर्नूल एवं मुच्छ लता, यहां से बहुत सारे हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे यहां से जो है हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। इन हड्डियों के जो औजार या जो उपकरण हैं, इससे जो है शिकार करने में या फिर अन्य उपयोग में जो है लाया जाता था। इस सभ्यता की अगली साइट जो है अफगानिस्तान में मिली है, जहां संघवा गुफा से जो है उच्च पूरा पाषाण काल के जो है औजारों का एक जखीरा पाया गया है। अब उसके हम आगे देखते हैं कुछ साइड को, उस साइड को देखते हैं और आप लोग जो है इसको देखते और सुनते जाइए, रटिए नहीं, सुनिएगा, सुनते सुनते जो है रट जाएगा। आते हैं हम बेलन घाटी, बेलन घाटी में बोला था कि बेलन घाटी कहां पे है, कल बताया था मैं, बेलन घाटी हमारा बेलन घाटी कल बताया था, आप लोग सोचिए बेलन घाटी जो है भाई मिर्जापुर कालीन भैया का क्षेत्र, तो बेलन घाटी जो है मिर्जापुर में है। यहां की एक साइड है चोपानी मांडो, कौन सी साइड है इसकी, एक साइड है चोपानी मांडो। साथियों बेलन घाटी पहला ऐसा स्थल था उच्च पूरा पाषाण काल का, मतलब पहला ऐसा साक्ष्य यहीं से मिला था उच्च पूरा पाषाण काल का, उच्च पूरा पाषाण काल का पहला साक्ष्य कहां से मिला था, प्रथम साक्ष्य जो है बेलन घाटी से ही मिला था। इसकी एक साइड है चोपानी मांडो, चोपानी मांडो से हमको जो है उच्च पूरा पाषाण काल से लेके, उच्च पूरा पाषाण काल से लेके, पाषाण काल उच्च पूरा पाषाण काल काल से लेकर नव पाषाण काल तक, नव पाषाण काल तक एक पूरा औजारों का जो है क्रम मिला है, एक पूरा जो है औजारों का यहां पे क्रम मिला है। और यही पे चोपानी मांडो में ही आपको जो है हड्डियों का या पशुओं का, पशुओं का क्या मिला है, पशुओं की हड्डियों का, हड्डियों का क्या मिला है, जीवाश्म। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि पशुओं की हड्डियों का जीवाश्म कहां से मिला है, आपका आंसर होगा कहां से, चोपानी मांडो।
चोपानी मांडो। अब इसकी एक और साइड देखते हैं, इंपॉर्टेंट साइड है। एक और साइड देख लेते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल में चित्रकारी, उच्च पूरा पाषाण काल में देख लेते हैं कि चित्रकारी का साक्ष्य। तो इसकी जो है महाराष्ट्र में एक साइड है, महाराष्ट्र में दो, यह दो जगह मिला है ये, एक आ जाइए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में दो स्थान है, एक है पाटड़े, पाटड़े और दूसरा है मेहताखेड़ी या मेहताखेड़ी, मेहताखेड़ी। चित्रकारी हम देखते हैं, चित्रकारी साक्ष्य उच्च पूरा पाषाण काल में, एक है महाराष्ट्र, दूसरा है मतलब महाराष्ट्र में एक साइड है, पहली साइड क्या है पाटड़े, दूसरी जो है मेहताखेड़ी। और इसी में चित्रकारी में ही हम देखते हैं क्या राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान की साइट जो है रामनगर है, क्या है रामनगर। और देखिए एक मजेदार बात, इन तीनों साइडों से, ये जो तीनों साइड हैं, यहां से क्या पाया गया है, क्या पाया गया है, यह है अंडा, क्या है अंडा, किसका अंडा, शुतुरमुर्ग का। यहां से क्या पाया गया है, शुतुरमुर्ग का अंडा, और इस अंडे पे क्या है, इस अंडे की खोल पे जो है, ये जो खोल है उस पे जो है चित्रकारी का जो है साक्ष्य जो है मिलता है, मतलब ये क्या है शुतुरमुर्ग का अंडे की क्या है खोल है अंडे की, और इस अंडे की खोल में क्या मिलता है चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है हमको। अगर पूछा जाए कि शुतुरमुर्ग के अंडा के ऊपर चित्रकारी का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आप पाटड़े, मेहताखेड़ी या रामनगर, आपके ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन दे देगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो है पाटड़े ही जो है बार बार पूछा गया है, और मतलब ऑप्शन में पाटड़े को ही दिया गया है, मेहताखेड़ी या रामनगर को बहुत कम महत्व दिया जाता है। अब अगर बात करें हम कि शुतुरमुर्ग के अंडे का बात करें क्या, अब शुतुरमुर्ग के जो अंडा है, किसका, शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग के अंडे, अब अंडा, अंडा हम जो है तोड़ दिए, अंडा क्या किए तोड़ दिए, तोड़ के दो भाग में कर दिए, ठीक है। अबे कैसा दिख रहा है, मनके जैसा, कैसा दिख रहा है, मनके जैसा। अब पूछे कि शुतुरमुर्ग के अंडे से बना मनके का साक्ष्य कहां से मिला है, ये जो है मनके का साक्ष्य शुतुरमुर्ग के अंडे के मनके का साक्ष्य दो जगह से मिला है, एक कहां से पाटड़े, एक कहां से पाटड़े, और दूसरा कहां से भीमबेटका, भीमबेटका ये एमपी की एक साइड है, भोपाल के पास पड़ता है पाटड़े। अगर एग्जामिनर पूछे कि शुतुरमुर्ग कि अंडे का मनका या मनका कहां से मिला है, तो ये जो है दो साइड है
एक है पाटड़े, दूसरा भीमबेटका। अब आते हैं इसके आगे, आप लोग समझ रहे होंगे। अब आते हैं भीमबेटका में ही थोड़ा सा और देखते हैं। इस कालखंड में, मतलब उच्च पुरापाषाण काल में, भीमबेटका से हमको क्या मिला? नीले रंग का साक्ष्य, या नीले रंग, नीला से ही लिखते हैं, नीले रंग। यहां से क्या मिला? नीले रंग का क्या मिला? पत्थर। यहां से बहुत सारे ऐसे पत्थर मिले जिसपे क्या लगा था? नीला रंग। बहुत सारे पत्थरों पे जो है नीला रंग लगा हुआ था। तो एक उत्खनन करता थे वाकरकर महोदय, वाकरकर महोदय जो है इस नीले रंग को देख के, वाकरकर महोदय ने इस नीले रंग को देख के यह अनुमान लगाया कि जो है इस नीले रंग का जो है यहां पे इस जो खड्ड था, पत्थरों का खड्ड था, इस तरह से पत्थरों का जो खड्ड था इसमें नीले रंग लगे हुए थे, नीले रंग लगे हुए थे। तो वाकरकर ने यह उम्मीद लगाया कि इसमें शायद नीला रंग जो है, इसमें क्या होता था, नीला रंग जो है बनाया जाता था। और किस लिए बनाया जाता था? चित्रकारी के लिए। ये किस लिए बनाया जाता था? चित्रकारी के लिए। ये जो है हमारा उच्च पुरापाषाण काल जो है समाप्त होता है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संभावित हैं या आए हुए हैं, हमने आपको सब कवर करा दिया। अब आते हैं पुरापाषाण काल का जो है उस समय जो है नव, उस समय जो है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल का जनजीवन देखते हैं। और ये जनजीवन हम आप ही से पूछेंगे, क्योंकि कल के वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस हुआ है, आज की वीडियो में बहुत सा डिस्कस हो रहा है, हो चुका आप। तो उस समय पूरा पाषाण काल का जो है हम जनजीवन देखते हैं। जीवन देखते हैं। अब इस जन जीवन में हम आप ही से पूछेंगे, जन जीवन में सबसे पहला बताएं, कृषि। अब बताएं कृषि क्या थी, ज्ञात थी कि नहीं? आप कहेंगे नहीं। उस समय जन जीवन में जो है कृषि का, वहां के जनजीवन में लोगों को कृषि का ज्ञान नहीं था। तो जनजीवन कैसा था? घुमक्कड़ी, शिकारी या वारी। तो जनजीवन कैसा था? घुमक्कड़ी, शिकारी या वारी। तो जब कृषि नहीं था तो भाई, जब यहां मानव है तो उसको तो पेट भरने के लिए कुछ चाहिए ना, तो क्या करेगा? अब सोच के बताइए, सोचिए वो क्या करेगा? आखेट करेगा, शिकार करेगा। आपको भी बताया शिकारी, वो क्या करेगा? आखेट करेगा या शिकार करेगा।
वो अपना जीवन यापन कैसे करता था? आखेट के द्वारा या शिकार के द्वारा अपना पेट या अपने परिवार का पेट भरता था। चूंकि जीवन आखेटक था तो पशुपालन जो है क्या था, तो पशुपालन क्या था? आप कहेंगे पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, क्योंकि जब कृषि था नहीं, जीवन जो है घुमक्कड़ी था, शिकारी अपना पेट जो है वो आखेट या शिकार के द्वारा पालते थे, तो पशुपालन नहीं होगा। कहां रखे पशुपालन? तो तभी होगा ना जब आप कहीं स्थिर से अपना एक निवास बनाए, तो स्थिर जीवन होगा तभी तो बनाएंगे। तो आप कहेंगे पशुपालन का साक्ष्य नहीं मिलता। तो ये सब क्या करते थे? कच्चे मांस का जो है, कच्चे कैसा मांस? कच्चे मांस, ये सब क्या करते थे? कच्चे मांस का भक्षण करते थे। अब कच्चे मांस का भक्षण या कच्चे मांस खाते थे, जब कच्चा मांस आदमी तभी ना खाएगा कि क्या, अग्नि, अग्नि देता रहेंगे तभी तो मांस पकेगा। मतलब अग्नि का पता तो था, लेकिन अग्नि का इनको उपयोग जो है पता नहीं था। क्या था? अग्नि के उपयोग के बारे में ये जो है अनभिज्ञ थे। ये रहते तब कहां थे? ये रहते थे, आप पांचवी टॉपिक, ये रहते थे कहां पे? कंदराओं में। कहां पे रहते थे? कंदराओं में, गुफाओं में, नदियों किनारे, आदि। तो ये कहां रहते थे? पुरापाषाण काल के लोग कंदराओं में, गुफाओं में और नदी किनारों पे। अब पूछा जाए कि क्या इनको वास्तुकला, क्या इनको वास्तुकला का ज्ञान था? वास्तुकला, वास्तुकला का मतलब हो गया कि क्या ये मृद भांड बना पाते थे? मृदभान के ज्ञान था? आप कहेंगे सर आप गजबे हैं, इधर कह रहे हैं कृषि नहीं था, इधर कह रहे हैं सब घूमता रहता था, इधर कह रहे हैं जो है पशुपालन नहीं था, इधर कह रहे हैं सब कंदरा गुफा नदियों में रहते थे, तो कहां से जो है मृदभान बनाएगा? अग्नि के बारे में पता नहीं था। तो क्या था? मृदभांडों का इनको कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, जो अब आइए धर्म देखते हैं। धर्म, क्योंकि जब मृदभांड ये सब चीजें नहीं था, स्थायी जीवन नहीं था, तो धार्मिक क्रियाकलापों का क्या हुआ था? विकास नहीं हुआ था। अब बात करते हैं क्या इनको रंग या चित्रकारी के बारे में पता था? तो हम आपको बता चुके हैं कि भीम बेटका से प्राचीनतम चित्रकारी का साक्ष्य हमें मिला है। ठीक है, तो उस चित्रकारी में हमें जो है ज्यादातर हरा और नीले रंग मिले हैं। हरा कौन सा? हरा और लाल रंग, हरा और लाल रंग, बाद में जो है नीला, बाद में नीला। तो भीमबेटका से हरा लाल रंग, तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या उनको रंग का ज्ञान था, तो आप कहेंगे हाँ, तभी तो चित्रकारी कर पाते थे। और जनजीवन में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर या कह सकते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन, उच्च पुरापाषाण काल के लोग औजार पत्थरों से जो है
पत्थरों से औजार बनाना सीख गए थे। बनाना क्या हुआ था? सीख गए थे। तो औजार बनाएंगे तभी तो शिकार करेंगे। ऐसे इतने बड़े बड़े जानवर होते थे, क्योंकि छोटे उस समय छोटे पुरापाषाण काल में की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता थी, इस समय छोटे जानवरों का शिकार नहीं होता था, बड़े जानवरों का शिकार होता था। अब बड़े जानवर बिना हथियार के आप मार नहीं सकते, तो जाएंगे मारने तो पता चलेगा सार उलाट देगा आपको, या भैंसा पकड़ के तुरंत देगा। इसलिए जो है तो पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाए, उसके बाद शिकार किए। शिकार करने के बाद जो उसके मांस को कच्चा खाए, अरे रहते कहाँ थे, कंदराओं गुफाओं में रहते थे, मृत भान का इनको पता नहीं था, पानी उनी ऐसे ही पी लेते थे उजरी उजरी में, ठीक है, धार्मिक क्रियाओं का पता नहीं था इनको, ठीक है। भीमबेटका से जो चित्र मिला है उसमें हम चित्रकारी का ज्ञान था, उसमें आप कह सकते हैं कि हरा लाल रंग उनको पता था। यह हमारा जो है पूरा पाषाण काल खत्म होता है। अब आते हैं, हम नई टॉपिक शुरू करते हैं, मध्य पाषाण काल। हेलो साथियों, आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज अंग्रेजी में कहते हैं। इसका पीरियड है 10,000 या कहीं कहीं किताबों में 8,000 ईसा पूर्व, मतलब 8,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक। मध्य पाषाण जो है आप देखेंगे ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, मध्य और पाषाण। मध्य का अर्थ है लघु, मतलब छोटे आकार के, और पाषाण का मतलब हो गया पत्थर। जो छोटे आकार के उपकरण या पत्थर जो है पाए गए मध्य पाषाण काल में, इसीलिए जो है इन छोटे उपकरणों के आधार पर इसको जो है क्या कहा गया, मध्य पाषाण काल। ये जो है पूरा पाषाण काल के बाद ये दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये बीच का जो है स्थल है। इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसको जो है अनुपूरा पाषाण काल, मतलब पाषाण काल के जस्ट आगे, तो इसको जो है अनुपूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। एग्जामिनर घुमाने के लिए आपसे पूछ देगा कि अनुपूरा पाषाण काल से संबंधित जो है पशुपालन का साक्ष्य कहां से प्राप्त किया गया है, तो आप ढूंढते रह जाएं कि अनुपूरा पाषाण काल क्या है। तो इसको आप नोट करें कि इसका अन्य नाम अनुपूरा पाषाण काल है, या जो है इसको आद्य नव पाषाण काल भी कहते हैं। आद्य नव पाषाण काल कहने का तात्पर्य इसके समय में कुछ कुछ जो है नव पाषाण काल के लक्षण दिखने लगते हैं, क्योंकि जो है पहले जो है मध्य पाषाण काल की गिनती होती ही नहीं थी, केवल जो है पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल की गिनतियां होती थी। लेकिन जो है जब पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के जो उपकरण थे उनके बीच के भी उपकरणों को जब खोजा गया, प्राप्त किया गया, तब अंततः जो है उसको जो है मध्य पाषाण काल के नाम से संबोधित किया गया। इस लघु उपकरण का, मतलब इन छोटे मध्य पाषाण काल के लघु उपकरणों की खोज सर्वप्रथम कार्लाइल ने 1867, कहीं कहीं 57 भी मिलता है कि किताबों में, 1867 ईस्वी में कहां से खोजा था, विंध्य क्षेत्र। और विंध्य क्षेत्र जो है आप देखेंगे वही यूपी और जो है मध्य प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत, उसी के आसपास का कालीन भैया वाला क्षेत्र जो है विंध्य क्षेत्र में इन्होंने जो है लघु उपकरण कौन खोजा था, कार्लाइल महोदय ने। ये पहला उपकरण था मध्य पाषाण काल का। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको जो है आप लोग ध्यान दें। अच्छा, इस समय क्योंकि जो है मध्य पाषाण काल के उपकरण या हथियार मिलने लगे थे, औजार मिलने लगे थे,
लेकिन अब औजारों में सबसे ज्यादा प्रधानता जो है कैल्सेडनी या कैल्सोडनी नामक जो है उपकरणों की थी। इससे पहले आप स्टार्टिंग में देखे होंगे कि जो है निम्न पुरापाषाण काल में स्फटिक के थे, उच्च पुरापाषाण का अरे उसके बाद जो है फिर देखेंगे जो है फ्लेट या चर्ट के, फिर आप देखेंगे कि जो है प्लेट आए, लेकिन जो है अब जो है कैल्सेडनी प्रकार के उपकरणों का सबसे ज्यादा यहां पे प्रधानता थी। उसके बाद जो है चर्ट पाए गए, फ्लीट, स्फटिक, जैप्सर आदि उपकरण भी पाए गए। अब इन उपकरणों में औजार थे वही ब्लेड, ब्लेड ब्लेड का फिगर हम आपको बता भी दिए थे, इस तरह से जो है एक तरफ ये ब्लेड होते थे, ऐसे करके ब्लेड हो गए, ब्लेड हो गए। क्रोड उपकरणों में क्रोड थे, कुछ उपकरण क्या थे ऐसे नुकीले टाइप थे, नुकीले टाइप, कुछ त्रिकोण टाइप थे, उठा कैसे मार दे जाके धस जाता था ये हिस्सा, तो कुछ जो है त्रिकोण टाइप थे, कुछ नुकीले थे, लंबे थे, दूर से ही मार के जो है हिरण को खत्म कर देते थे। कुछ जो है नव चंद्राकार थे, मतलब चंदा मामा का आकार कैसा होता है ऐसा, तो ये जो है न, इस तरह से ये क्या हो गया अर्धचंद्राकार, ये क्या थे नव चंद्राकार, मतलब बहुत सारे जो है इसमें ऐसे थे, ऐसे चांद हो गया एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ये हो गया नव चंद्राकार। कुछ जो है समलंब थे, ऐसे जैसे लाठी डंडा हो गया बड़े बड़े, उसी तरह पत्थर के होते थे, घिंच के मतलब सामने से गुजर रहा है कोई जानवर मार देते थे इस समय। तो इस समय सबसे बड़ी बात थी कि ऐसे औजारों की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जो है मध्य पाषाण काल का जो है मानव जो है ऐसे खतरनाक हथियारों की तरफ मुड़ा, क्योंकि उस समय अब क्या हो गया था कि जो है अब लोग जो है बड़े के अलावा जो है छोटे, बड़े के अलावा छोटे पशुओं का भी शिकार करने लगे थे, छोटे पशुओं का पक्षियों का शिकार करने लगे थे, इसलिए इनके शिकार के लिए हमको क्या होता था कि छोटे उपकरणों का, नुकीले और तीखे उपकरणों का जरूरत होता था, जिसको हम दूर से जो है फेंक के इन छोटे जानवरों को मार सके। अब आइए देखते हैं इसका महत्वपूर्ण स्थल, महत्वपूर्ण स्थल, इसका महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं। नहीं, महत्वपूर्ण स्थल देखने से पहले हम बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल का जो है उपलब्धि क्या थी, देन क्या थी, मध्य पाषाण काल की देन क्या थी, ये हमें क्या क्या दिया, मध्य पाषाण काल ने हमको जो है क्या क्या दिया। मध्य पाषाण काल ने हमको सबसे पहले क्या दिया, धनुष। अब सोच लीजिए कि अब मानव कितना खतरनाक हो गया था, ये है धनुष, धनुष और बाण, धनुष और बाण जो है मध्य पाषाण काल में आ गया था, इसकी देन थी मध्य पाषाण काल की। लकड़ी की डोंगी, लकड़ी की डोंगी, डोंग डोंगा समझते हैं ना, ये हो गया डोंगा हमारा, जिसको आज जो है ये हो गया डोंगा। तो अब ये जो है कोई सामान रखने के लिए जो है लकड़ी का जो है डोंगी जो है मध्य पाषाण काल में वहां के मानव बनाने लगे। मानव अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है, इसके हथियार भी मिले हैं। यहां से शवों का दफनाने की प्रक्रिया, यहां के लोग जो क्या किए, शवों को जो है दफनाने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दिए थे। और ये शव या तो जो है कैसे उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, या कई जगह से साक्ष्य मिले हैं ये जो है पूर्व पश्चिम भी जो है शवों को क्या करते थे, दफनाते थे। तो इस
समय की उपलब्धि ये थी, समय की देन थी मध्यपाल सरकार की कि ये जो है शव को दफनाने का जो है या कब्रों के निर्माण का, भाई कब्र में ही तो शव को दफनाएंगे, तो कब्रों के निर्माण की प्रक्रिया भी इस काल में शुरू हो गई थी। ये इनकी इस काल के लोगों की, मध्यपाषाण काल के लोगों की उपलब्धि थी। अब इस उपलब्धि के बाद देखते हैं इसके साइड जहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं और खास करके यूपीपीसीएस तो इतिहास में घुस घुस के पूछता है, जहां इतिहास वाले भी कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर पूछा क्या है। तो आइए हम कोशिश करेंगे कि आप इतिहास भले न पढ़े हो लेकिन ये वीडियो देखें तो इतिहास के वो सवाल गलत न करें जो आयोग जो है पूछता रहा है और पूछने की कोशिश करेगा अंदर घुस के, इसलिए हम बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं आप लोगों। आइए स्थल में हम सबसे पहले देखते हैं राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे साइड मिले हैं, बहुत सारे साइड्स हैं राजस्थान की, लेकिन जो है हम उन दो साइड्स को लेंगे जो इस कालखंड की बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड है, इस कालखंड की बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड है। पहला है तिलवाड़ा, पहला क्या है तिलवाड़ा। अब तिलवाड़ा में क्या हुआ कि तिलवाड़ा में दो संस्कृतियों का एक चरण मिला। पहली संस्कृति तो भाई पहली संस्कृति थी ये, यहां पे क्या हुआ मध्यपाषाण काल के जो है औजार मिले, औजार मिले, तो ये क्या किया कि मध्यपाषाण काल का जो है प्रतिनिधि किया, मतलब ये हुआ कि चलो ये जो है मध्यपाषाण काल का है। लेकिन इसी के साथ में मध्यपाषाण काल के औजारों के साथ में यहां पे चाक के, किसके चाक के बने बर्तन, चाक के बने बर्तन, लोहा का टुकड़ा, लोहा का जो है छोटे छोटे टुकड़ा और बहुत छोटे आकार के, मतलब बहुत छोटे छोटे आकार के जो है उपकरण यहां से जो है मिले। इसलिए जो है तिलवाड़ा को जो है दो संस्कृतियों के चरण वाला स्थल के रूप में देखते हैं। अब उसकी दूसरी साइड है बागौर, इसकी दूसरी साइड क्या है बागौर, इसकी दूसरी साइड बागौर है। बागौर जो है स्थित है बनास नदी है, बनास नदी का बनारस, बनास नदी है राजस्थान में, बनास नदी, बनास नदी की सहायक है कोठारी नदी, कौन सी नदी कोठारी, कोठारी नदी के पास में स्थल है कौन सा बागौर, याद रखिएगा अभी आप एक पढ़े बागौर और यह है बागौर। बागौर में जो है इसका उत्खनन किसने किया था, बागौर का उत्खनन जो है बीएन मिश्र ने, कभी कभी जो है पूछ लेता है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बहुत स्थल होते हैं उनका पूछ लेता है कि उत्खनन करता कौन है, तो ये भी आप याद रखें। तो इसका उत्खनन जो है बीएन मिश्र महोदय ने, मिश्रा जी ने, बीएन मिश्र महोदय ने कब किया था 1971, उसी समय जब जो है पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश जो है आजाद हुआ था, तो उस समय जो है बागौर की खुदाई जो है कर रहे थे बीएन मिश्र साहब। यहां पे जो है खुदाई के समय ये जो है ऐसे बड़े बड़े, आपको पता है कि राजस्थान में खूब सारा बालू है, तो वहां पे ऐसे टीले पाए गए, बालू के मिट्टी के ऐसे टीले पाए गए, इन टीलों को जो है क्या कहा गया महासती, महासती। तो बागौर से जो टीले प्राप्त किए गए उसको क्या कहा गया महासती। बागौर जो है मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा पाषाणिक स्थल है, क्या है सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य काल का सबसे बड़ा पाषाणिक स्थल कौन सा है, आप कहेंगे बागौर।
यहां से सबसे पहला मध्य पाषाण काल से या बागौर मध्य पाषाण काल के बागौर से सबसे पहला पशुपालन का साक्ष्य हमको जो है प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पशुपालन का साक्ष्य। बागौर से हमें सबसे पहला पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है और यहां से बागौर से ही हमें जो है तीन चरण प्राप्त होते हैं। यहां से मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और यौलोग युग तीनों चरण एक साथ मिलते हैं हमें। यहां से मध्य पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल के बाद सीधे सीधे तामा में आ जाते हैं, तामा के बाद हम लौह युग में आते हैं। तो ये तीनों चरण जो है एक साथ यहां पे दिखते हैं और यहीं पे ही जो है कसाई खाना, मतलब कसाई खाना कह लीजिए, बूचड़ खाना कह लीजिए, जहां कसाई खाना वो होता है जहां पे पशुओं की जो है काटा जाता है और बेचा जाता है, पशुओं की कटाई होती है उसे कसाई खाना कहते हैं। यही पे जो है कसाई खाने का जो है साक्ष्य मिलते हैं, या यही कह सकते हैं कि पशुओं की बहुत सारी हड्डियां भी मिलती हैं। ये जो है यहां से बागौर से ही हमें चार कंकाल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चार कंकाल। चार कंकालों का एक साथ हमको साक्ष्य मिलता है बागौर से, और बागौर से ही हमें जो है मिश्रित औजार मिलने शुरू हो जाते हैं। क्या होता है? बागौर से हमें जो है मिश्रित औजार, बागौर से हमें मिश्रित औजार मिलना शुरू हो जाता है। ये मिश्रित औजार औजारों में जो है पांच जो है किसके? तांबा के थे। अब इन पांच तांबा के हथियारों में, पांच हथियारों में देखिएगा, ये क्या था? ये भाला था। एक हो गया क्या? ये हो गया भाला। एक हो गया भाला। तीन ठो हमको बाढ़ मिले हैं। क्या मिला है? तीन ठे बाढ़। बाढ़ कैसा होता जी? एक ऐसे ही ना, ऐसे तीन ठो हमको एक तीन ठो हमको बाढ़ मिला है और एक जो है हमको तांबे की जो है क्या मिली है? छड़ मिली है। मिश्रित औजार हमको कितने मिला है? पांच। एक भाला मिला है, तीन बाढ़ मिला है और एक जो है क्या मिला है? तांबे का छड़ मिला है। ये जो है हमारा राजस्थान का साइड जो है खत्म होता है। अब आते हैं गुजरात की साइड पे। अब दूसरे स्थल पे हम देखते हैं गुजरात। गुजरात में बहुत सारे स्थल हैं, जैसे अखज, पलसाना, हीरापुर और लखनाज। लेकिन मध्य पाषाण काल के सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है लखनाज से ही बनते हैं। इन स्थलों की खोज या उत्खनन करता जो है कौन है? एचडी संकलिया साहब। एचडी संकलिया साहब गुजरात के स्थलों की खुदाई इन्होंने किया, जिनमें लखनाज सबसे इंपॉर्टेंट है। लखनाज जो है इसकी स्थिति शुष्क क्षेत्र में है, तो शुष्क क्षेत्र में उद्घाटित प्रथम स्थल कौन सा है? लखनाज। किसी भी शुष्क क्षेत्र में उद्घाटित प्रथम स्थल कौन सा है? लखनाज। लखनाज से तीन संस्कृतियों का साथ, तीन संस्कृतियों का साथ एक साथ जो है हमको यहां से तीन संस्कृतियों का साक्ष्य मिलता है। लखनाज से ही हमें 14 मानव कंकाल के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही लखनाज से तांबे का चाकू हमको प्राप्त होता है। गुजरात के बाद अब आते हैं उत्तर प्रदेश
योगी जी का। यहां से बात सबसे पहले करेंगे मिर्जापुर क्षेत्र, मतलब बिंद क्षेत्र का, सबसे पूर्व मिर्जापुर क्षेत्र का। मिर्जापुर क्षेत्र में लगभग 50 से ज्यादा साइट हैं जो मध्य पाषाण काल की हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा है, जहां से आयोग जो है क्वेश्चन लगातार बनाता रहा है। ये सबसे इसमें पहली साइड है लेखनिया। लेखनिया से जो है हमें कई जगह 17 या कई जगह 27, कई किताबों में 17 या कई किताबों में 27 दिया हुआ है, वहां से हमें मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। लेखनिया से कई जगह 17 दिया हुआ है, कई जगह 27 बुकों में दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मानव कंकालों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहां से 5 शिलाश्रय मिली हैं, जिनमें क्या है 4 में चित्रकारी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब प्राचीनतम चित्रकारी का साक्ष्य कहां से मिला है बताइए आप लोग, याद करिए। प्राचीनतम चित्रकारी का साक्ष्य मिला है भीमबेटका से, लेकिन अगर पूछे कि मध्य पाषाण काल के चित्रकारी का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आप कहेंगे लेखनिया से। लेखनिया से, लेखनिया साइड से जो है चित्रकारी का, मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। लेखनिया से ही हिरण के 2 सिंह मिले हुए हैं, लेखनिया से हिरण के 2 सिंह मिले हुए हैं, और लेखनिया से ही भैंस की हड्डियां प्राप्त की गई हैं। तो आप याद रखिएगा कि चित्रकारी का साक्ष्य मध्य पाषाण काल में कहां से मिला है, लेखनिया से। अब आते हैं मिर्जापुर में ही बगही खोर, एक साइड है, क्या है बगही खोर। बगही खोर से 2 विस्तृत समाधान, मतलब 2 व्यवस्थित या विस्तृत समाधान हमको देखने को मिले हैं, और यहीं से 2 लोहे के बाढ़ जो यहां बाढ़ मिले हैं, ये जो बाढ़ मिले हैं किसके थे, लोहे के। यहां से 2 बाढ़ जो मिले हैं वो किसके मिले हैं, लोहे के। उसके बाद अगली साइड है मिर्जापुर की लहुरादेव, नहीं मिर्जापुर की नहीं, ये जो है संत कबीर नगर की, सॉरी, ये संत कबीर नगर में पड़ता है लहुरादेव। लहुरादेव बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड है, क्योंकि यहां पे भारतीय उपमहाद्वीप में, याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो बार बार मेहरगढ़ पढ़ते रहे हैं। देखिए मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ में जो कृषि का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ में, वो कितना है, 7000 ईसा पूर्व, ये मेहरगढ़ का है, मेहरगढ़ का। और जो लहुरादेव से मिला है वो जो है कितना है, 8000 BC से लेके 9000 BC का पीरियड है उसका, 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक। तो अब ऐसा नहीं पूछेगा कि जो है आपको कि जो है दोनों ऑप्शन दे देगा, सबसे अगर बोलेगा कि अगर दोनों ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन में कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, तब तो आप मारेंगे लहुरादेव को, तब ऑप्शन ट्रिक करेंगे लहुरादेव को। अगर केवल पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, अगर लहुरादेव ऑप्शन नहीं होगा तो आप क्या मारेंगे, मेहरगढ़। समझ गया आप, मतलब अगर लहुरादेव मेहरगढ़ दोनों ऑप्शन में है तो आप कहां मारेंगे, किसको मारेंगे, ऑप्शन लहुरादेव को मारेंगे। अगर लहुरादेव ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको मारेंगे, मेहरगढ़ को मारेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा।
क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होगा बच्चों में, क्योंकि हर जगह बहुत शेयर किताब देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में भी हम देखते हैं जो आयोग द्वारा पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें लवरा दे दिया नहीं है। तो प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य सबको रटा रटा है कहां से, मेहरगढ़ से। प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहां से, मेहरगढ़ से। अगर वही लवरा दे अगर ऑप्शन में है तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ के ही मारिएगा, और उसमें जो है तब आप जो है लवरा देव को कोड करिएगा, मारिएगा। अब आते हैं इलाहाबाद में चौपानी मांडव। चौपानी मांडव जो है एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस जो है इस चौपानी मांडव मध्यकालीन पाषाण काल का ऐसा स्थल है जहां से पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के बीच संक्रमण अवस्था का प्रतीक है। ये जो है क्या हुआ कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच के संक्रमण का काल है, उसका जो है ये प्रतीक है चौपानी मांडो। यहां से हमें चौपानी मांडो से किसके साक्ष्य मिले हैं, बस्तियों के। चौपानी मांडो से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं, बस्तियों के। चौपानी मांडो से हमें बस्तियों से साक्ष्य मिले हैं। इन बस्तियां, ये बस्तियां जो है इसमें 13 थी, जो बस्तियां थी इसमें 13 बस्तियां जो है इसमें 13 झोपड़ी थी, वो किसकी थी, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है, मधुमक्खी का छत्ता इस टाइप का होता है, इस टाइप का। तो इसमें जो 13 बस्तियां थी, 13 बस्तियां कैसी थी, मधुमक्खी के छत्ते जैसे थी। और अन्य जो बस्तियां थी वो क्या थी, जो है झोपड़ियां, ये झोपड़ियां जो है कि कैसी थी, मधुमक्खी के छत्ते जैसे। और अन्य झोपड़ियां जो है ये थी गोलाकार या अंडाकार। तो आप समझ गए होंगे कि चौपानी मांडव से सबसे पहले यहां बस्तियों का साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल में, और मध्य पाषाण काल में यही से प्राचीनतम या जंगली चावल का जो है साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, जंगली चावल का साक्ष्य जो है कहां से मिला है, चौपानी मांडव से। चौपानी मांडव में ही संसार का सबसे प्राचीनतम मृदभांड, मतलब वो मृदभांड जो कहीं नहीं प्राप्त किया गया, संसार में सबसे प्राचीन मृदभांड जो है, सबसे प्राचीन मृदभांड जो है जो मिला वो कहां से मिला, चौपानी मांडव से। संसार का सबसे प्राचीनतम मृदभांड अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लिखेंगे चौपानी मांडव से मिला, और चौपानी मांडव से ही अन्नागार का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।